good morning everybody. Today we will do English of class 5th, chapter number 3. As we have not done chapter number 2, we will do it later on. Okay. Today we will do chapter number 3, the rats and the elephants. Are we all of the same size? Kya hum sare same size ke hain? No, we are not of the same size. Can a smaller animal help a bigger animal? Yes, a smaller animal can help a bigger animal. You are often asked to help your younger sisters and brothers. Do you help them? Yes, I help them. जब आपके younger brothers और sisters आपसे help मांगते हैं, तो आप उनकी help करते हैं? तो yes, हम उनकी help करते हैं. How do your younger brothers and sister help you? So they help me in my daily routine work. Means, आपको कभी homework करना होता है या कुछ work complete करना होता है, किसी कोई काम कर रहे हो तो उसमें भी आपके younger brothers और sisters आपकी help करते हैं. Let's read. Long, long ago, a group of rats lived happily in a forest. तो यहाँ पे कह रहे हैं, काफ़ी लंबे समय पहले चूहों का एक समूह प्रसन्नतापूर्वक मतलब खुशी के साथ एक जंगल में रहता था. वन डे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, यहाँ पे हर्ड मीन्स यहाँ पे ग्रुप कह दिया है, ग्रुप के लिए दैट इज कलेक्टिव नाउन. तो यहाँ पे एलिफेंट्स का एक ग्रुप था. अ वन डे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर. एक दिन हाथियों का एक झुंड पानी की तलाश में उस इलाके से गुजरा, उस एरिया से गुजरा. मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट, उनके विशाल पैरों के नीचे चूहों के अनेक घर नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए. मीन्स सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, और कुछ चूहे भी मारे गए. द किंग ऑफ रैट्स that is Mushak Raj went to the king of elephants Gajraj and requested him to take his herd through another route to the pond. चूहों का राजा मूषक राज था, हाथियों के राजा गजराज के पास गया तथा उससे अपने झुंड को किसी और रास्ते से या मार्ग से तालाब की ओर ले जाने का निवेदन किया. निवेदन करना मतलब रिक्वेस्ट करना. ओके. He accepted the request and told the elephants to take the other way without disturbing the rats. यहाँ पे जो गजराज थे उन्होंने उनकी बात मान ली, उसने निवेदन स्वीकार कर लिया तथा हाथियों को बिना चूहों को परेशान किए दूसरा रास्ता लेने के लिए कहा. मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विथ गजराज. मूषक राज बहुत खुश हुआ तथा गजराज से प्रसन्न हुआ, मतलब उससे बहुत खुश हो गया. He thanked him and promised that the rats would always be ready to help the elephants if needed. यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो मूषक राज बहुत ही खुश था ना, तो उसने बोला कि उसने उसको धन्यवाद किया फर्स्टली तो, और वादा किया कि अगर आवश्यकता हुई तो चूहे हाथियों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे. हियरिंग दिस, यह सुनकर द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स. इसे सुनकर झुंड के हाथी यह सोचते हुए हंसने लगे कि छोटे चूहे विशाल हाथियों की सहायता कैसे कर सकते थे. After a few months, कुछ महीनों बाद, one fine day when the rats were playing, they heard loud shouts of elephants. When the rats were playing, they heard loud shouts of elephants coming from the direction of the pond. Right? Here, कुछ महीने पश्चात मतलब बाद,
एक अच्छे दिन जब चूहे खेल रहे थे, उन्होंने तालाब की दिशा से हाथियों के चिल्लाने की आती हुई तेज आवाजें सुनी। Then Mushakraj realized that the elephants were in some danger. Mushakraj समझ गया कि हाथी किसी संकट में थे। He asked some of the strong rats in his group to come along and went in the direction of that sound. Mushakraj तो समझ ही गया था कि हाथियों को कोई परेशानी है। उसने अपने समूह के कुछ ताकतवर चूहों को अपने साथ आने के लिए कहा तथा उस आवाज की दिशा में गए वो सब। Near the pond, they saw the elephants caught in the traps kept by some hunters. तालाब के पास उन्होंने हाथियों को शिकारियों द्वारा लगाए गए फंदों या जाल में जकड़े हुए देखा। The rats quickly started biting the ropes with their sharp teeth. चूहों ने शीघ्रता से जल्दी से अपने तेज दांतों से रस्सियों को काटना शुरू किया। Soon the elephants were set free. और जल्द ही सारे जानवर, सारे जो हाथी थे, वो सारे मुक्त हो गए। They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size. उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया तथा उनके छोटे आकार के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए भी खेद व्यक्त किया, मतलब सॉरी फील किया कि मैं हमने आपका मजाक उड़ाया था। स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू द ग्लॉसरी इन योर फेयर कॉपी, ये क्लास फोर कॉपी में करेंगे। दीज आर ऑल वर्ड मीनिंग्स, हिंदी मीनिंग्स यू डोंट हैव टू राइट, यू हैव टू राइट ओनली द इंग्लिश मीनिंग्स, ओके। एंड दीज आर ऑल द एक्टिविटीज विच यू हैव टू डू। Let's do activity 1, exercise A. Write T for true and F for false. The elephants were very hungry. They were looking for food. तो क्या ये true है या false है? This is false. The elephants were very hungry. They were looking for food. Next, number 2. The elephants destroyed the homes of the rats because they disliked them. तो दिस वन ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि ये फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पे वो लोग उनको, एलिफेंट्स जो हैं उनको डिसलाइक नहीं करते थे, उनके बड़े आकार की वजह से वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। तो दिस वन विल ऑल्सो बी स्मॉल फॉल्स एंड दिस वन विल ऑल्सो बी फॉल्स, दीज बोथ आर फॉल्स स्टेटमेंट्स। नंबर 3, द किंग ऑफ द रैट्स प्रॉमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड, दिस इज ट्रू। The elephants were shouting for help. True. These are all, both 3 and 4 are true. Exercise B. Here, look at the following images and arrange them in the correct order by numbering them. अब आपको इनको according to the story इसको complete करना है. तो इसका correct order है. Number 1 जो है वो third image होनी चाहिए. Here you have to write third. And number 2 will be the first image. ये first image है क्योंकि यहाँ पे चूहों को वो घायल कर रहे थे, चूहे काफी सारे मर रहे थे। This is the and then यहाँ पे फिर जो ये आपके statements हैं, ये first वाला आपका third image होगा और ये आपका second वाला आपका first image रहेगा and जो third वाला है वो आपका fourth image रहेगा और जो फोर्थ वाला है वो आपका सेकेंड इमेज रहेगा, ठीक है? लाइक दिस यू ऑल हैव टू कंप्लीट इट। नाउ दीज आर ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स, वी विल जस्ट अटैच द आंसर की आफ्टरवर्ड्स। दीज आर ऑल द एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू द चैप्टर्स। होमोफोन्स, व्हाट आर होमोफोन्स? होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स। सन एंड सन प्रोनाउंस तो बिल्कुल एक जैसा हो रहा है, इसको हम बोल रहे हैं तो बिल्कुल सेम बोल रहे हैं, बट जब हम स्पेलिंग देखेंगे और मीनिंग देखेंगे तो बोथ आर डिफरेंट। मीन्स ये एस ओ एन सन है और ये एस यू एन सन है। दिस सन मीन्स बेटा एंड दिस सन मीन्स सूरज। दिस दीज आर ऑल होमोफोन्स। यू हैव टू जस्ट फिल ऑल दीज। देन एक्टिविटी 3,
In the lesson you read, when the rats were playing, they heard the loud shouts of elephants. This sentence talks about an action which took place when another action was in progress. यहाँ पे दो actions हो रहे हैं, एक जो चल रहा है और दूसरा अचानक से हो रहा है. Here are a few more examples. Look at them and see how they are constructed. When Sumit was doing his homework, his mother called him for dinner. यहाँ दो actions हो रहे हैं, पहले homework कर रहा है और उसी समय मम्मी ने उसको डिनर के लिए बुलाया. यहाँ पे भी जब फुटबॉल खेल रहे हैं तो मोहन को पैर में चोट लग गई. सिमिलरली यहाँ पे आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. व्हेन मोनू वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ही डैश अ 10 रुपी नोट अंडर अ ट्री ही फाउंड. ठीक है, ही फाउंड हो जाएगा यहाँ पे. लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 3, एक्टिविटी 3. Here activity 4, form a pair with your partner. What you have to do is write a story, pick up suitable lines from the box below and enable a dialogue between Mushak Raj and Gajraj. Here is some dialogue, you have to look after it. Exercise 5, activity 5, write 5 sentences describing how you help your elder brothers and sisters. आप अपने elder brother और sister की किस तरीके से हेल्प करते हो, आपको ये चीज यहाँ पे मेंशन करनी है. यू हैव टू राइट 5 सेंटेंसेस फॉर दिस टॉपिक. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.